नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में कक्षा 11 हिंदी साहित्य के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य के अंतरा पुस्तक के काव्य खंड का प्रथम अध्याय कबीर। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि कबीर के व्यक्तित्व और कृतित्व का एक लघु परिचय पढ़ा था। साथ ही हमने कबीर के प्रथम पद अरे इन दोहुन राह न पाई का भावार्थ जाना था। आज के इस वीडियो में हम कबीर के दूसरे पद बालम आओ हमारे गहरे का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम दूसरे पद का वाचन करेंगे, उसके उपरांत कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे और फिर पद का भावार्थ समझेंगे। तो चलिए बच्चों, दूसरे पद को पढ़ते हैं। बालम आओ हमारे गहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लगत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लग कैसा स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नीर रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जीव जाए रे, बालम आओ हमारे गहरे। कठिन शब्दों के अर्थ देखते हैं अब। बालम, यहाँ बालम किसको कहा है? बालम से मतलब प्रियतम, और यहाँ प्रियतम परमात्मा को कहा है। गेह, गेह यानी घर। देह, देह मतलब शरीर। नारी, पत्नी, स्त्री। मोको यानी मुझे, लाज यानी शर्म, लज्जा। दिल यानी हृदय। स्नेह, स्नेह यानी प्रेम, स्नेह प्रेम। अन्न भोजन। भावे भाना अच्छा लगना। गृह यानी घर। वन जंगल। धीर मतलब धैर्य। कामिन, कामिन यानी प्रियतमा या प्रेमिका। बालम प्रियतम। नीर यानी पानी जल। पर उपकारी, पर उपकारी दूसरों पर उपकार करने वाला। पिवसो यानी प्रियतम से। बेहाल यानी बुरा हाल। जीव, जीव यानी जीवन प्राण। जाए यानी जाना। तो चलिए बच्चों, अब पद का भावार्थ देखते हैं। बालम आओ हमारे गहरे, बच्चों पिछले वीडियो में जब हमने
कबीर का परिचय पढ़ा था, तो साथ में दोनों पदों का परिचय भी जाना था। हमने पढ़ा था कि दूसरे पद में कबीर ने खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में प्रस्तुत किया है तथा प्रियतम से घर लौटने की आकांक्षा व्यक्त की है। दाम्पत्य प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है। तो कबीर खुद को विरहिणी स्त्री के रूप में बताते हुए परमात्मा रूपी प्रियतम से घर लौटने की इच्छा व्यक्त करते हैं। कबीर कहते हैं, बालम हे प्रियतम, आओ हमारे गहरे, तुम हमारे घर पधारो। बालम हे प्रियतम रूपी परमात्मा, तुम हमारे घर पधारो। तुम बिना दुखिया देह रे, क्योंकि तुम्हारे बिना दुखिया देह, देह यानी शरीर, तुम्हारे बिना मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है, इसलिए तुम मेरे घर आकर मेरी पीड़ा को दूर करो। दोबारा देखो बच्चों, बालम हे प्रियतम रूपी परमात्मा, आओ हमारे गहरे, तुम हमारे घर आकर मेरी पीड़ा को दूर करो, क्योंकि तुम्हारे बिना दुखिया देहरे, मेरा शरीर विरह व्यथा से पीड़ित है। यानी कहने का तात्पर्य है कि कबीर की साधक आत्मा प्रियतम परमात्मा के बिना दुखी है और वह भगवान को अपने घर यानी अपने हृदय में बसाकर अपनी विरह व्यथा को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। कबीर का अपने प्रियतम से कहना है कि मेरी पीड़ा यह है कि मैं ही नहीं बल्कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, दूसरे लोग भी सब कोई मुझे तुम्हारी नारी यानी स्त्री पत्नी कहते हैं, मोको लगत लाजरे, यह सुन सुनकर मुझे शर्म आती है कि सब कोई मुझे तुम्हारी स्त्री पत्नी कहते हैं और यह सुनकर मुझे लज्जा महसूस होती है, क्योंकि दिल से नहीं लगाया तब लगे कैसा स्नेह रे कि तुम मेरे पति हो और मैं तुम्हारी पत्नी, फिर भी तुम मेरे पति होते हुए भी कभी मेरे घर अर्थात हृदय में नहीं आए और दिल से ना कभी तुमने मुझे अपने हृदय से लगाया है, तब लग कैसा स्नेह रे, तब भला यह कैसा प्रेम है, मेरी विरह व्यथा तो तभी दूर होगी जब तुम मुझे अपने हृदय में बसाकर प्रेम से पूरित करोगे। आगे कहते हैं कबीरदास जी, अन्न न भावे नींद न आवे, गृह बन धरे न धीर रे, कि इस तुम्हारे विरह में मेरी ऐसी स्थिति हो गई है कि मुझे न तो अन्न यानी भोजन अच्छा लगता है, नींद न आवे और न अच्छी तरह नींद आती है, न तो मुझे भोजन अच्छा लगता है और ना मुझे नींद ही आती है, गृह बन धरे न धीर रे, इसी तरह न तो मुझे घर अच्छा लगता है और न ही जंगल यानी मेरा हृदय कहीं भी धैर्य धारण नहीं कर पा रहा है। कामिन को है बालम प्यारा, जिस प्रकार एक कामिनी स्त्री को प्रेमिका को उसका प्रियतम ही अच्छा लगता है, जो प्यासे को नीर रे और जिस प्रकार प्यासे व्यक्ति को पानी ही अच्छा लगता है, उसी प्रकार तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, प्रिय लगते हो, है कोई ऐसा परोपकारी। अब अंत में कबीर कहते हैं कि है कोई ऐसा परोपकारी कि मेरे आसपास कोई ऐसा परोपकारी व्यक्ति भी नहीं है, टिवसो कहे सुनाए रे, जो मेरे प्रियतम से जाकर मेरा हाल कह दे यानी मेरी विरह व्यथा को जाकर व्यक्त कर दे।
इसलिए अब तो बेहाल कबीर भयो हैं, बिन देखे जीव जाए रे। इसलिए हे परमात्मा, हे प्रियतम, तुम्हारे विरह में बेहाल कबीर भयो कि तुम्हारे विरह में मेरी आत्मा अत्यंत व्यथित हो गई है, यानी मेरा बहुत बुरा हाल हो गया है। बिन देखे जीव जाए रे, और तुम्हें देखे बिना जीव जीवित रहना दुभर हो गया है। तुम्हारे बिना मेरे जीवन, मेरे प्राण जा रहे हैं, मेरा जीवन समाप्त होने को है। इसलिए हे परमात्मा, तुम मेरे घर आकर मेरी इस पीड़ा को दूर करो। बच्चों, ध्यान देने की बात यह है इस पद में कि कबीर ने स्वयं को पत्नी यानी आत्मा और प्रियतम यानी परमात्मा दोनों के परस्पर मिलन की प्रक्रिया व्यक्त की है, और साथ ही अपनी भक्ति निष्ठा भी व्यक्त की है। साथ ही बच्चों, बालम और तुम्हारी नारी में कबीर ने स्वयं को परमात्मा की पत्नी के रूप में बताकर रहस्यात्मक भावों की अभिव्यक्ति की है, और अंत में इस पद की भाषा सदुक्कड़ी है। धन्यवाद।